आज अब्दुल वाहिद शेख जी के साथ है एक मुंबई स्कूल टीचर और 13 लोग में से वो इकलौते इंसान जिनको 2006 ट्रेन बॉम्बिंग्स में एक्विटल मिला था। वाहिद जी ने जब उनको एक फॉल्स कन्फेशनल स्टेटमेंट मिला था तो वो इकलौते थे जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बेगुनाह कैदी की किताब लिखी थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके इनोसेंट प्रिजनर्स करके पता हुआ है, और हाल ही में इस किताब पे एक मूवी भी रिलीज हुई है जिसका नाम है हेमोलिम्फ। शेख जी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जब वो जेल में थे तब उन्होंने लॉ भी स्टडी किया है। हमारे साथ मिलने के लिए शुक्रिया वाहिद जी। सर, आपने जब ये किताब लिखी तब शुरुआत में आपने एक 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज के बारे में बोला है प्रेफेस में, जिसके साथ आपकी बात हुई थी। उन्होंने आपको और बाकी कैदी अक्यूज को पूछा था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन किया था कि नहीं, और जब आपने हाँ बोला था तो उन्होंने गुस्से में आपको बोला था कि क्या आपको पता नहीं कि मुंबई ब्लास्ट में क्या हुआ था, क्या आपको पता नहीं CBI और मुंबई पुलिस ने हमारे साथ क्या किया था, कि मुस्लिमों के साथ कैसे टॉर्चर और प्रोसिक्यूशन हुआ था, उनके परिवार के साथ, उनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ था, क्या आपने अखबार नहीं पढ़े थे, ये सारे सवाल उन्होंने आपको गुस्से में पूछे थे। और हालांकि आपने उनका नाम नहीं लिखा है लेकिन आपने लिखा था कि आपको खुद को ये जान हुआ कि आपको उस वक्त इस चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो क्या इसी वक्त आपने सोचा था कि मैं किताब लिखूँगा मेरे इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, 2006 में जब हम लोग अरेस्ट हुए थे तो जेल जाने के बाद हम सब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम सबके साथ धोखा किया गया है और एक गलत केस में हमको फंसाया गया है। अखबारात में जब हम पढ़ रहे थे अंदर जेल जाने के बाद कि हमारे बारे में ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही है, ये एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो हमको बड़ी हैरत हुई थी। तो उसी वक्त वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस का एक एक्यूज़, मुझे याद आ रहा है उनका नाम शायद मुबीन था, मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा मुझे क्योंकि अब हल्का सा याद है, लेकिन फिल्म में उनको दिखाया गया है, इस कैरेक्टर को, उसका नाम मुबीन भी दिखाया गया। तो उन्होंने आके हमसे पूछा था, क्योंकि जब हम लोग पुलिस कस्टडी में थे तो सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स और सारे अखबारात वो पढ़ रहे थे, देख रहे थे, और उनको ये फील हो रहा था कि जो कुछ उनके साथ हुआ है वही कुछ हमारे साथ पुलिस कस्टडी में हो रहा था। तब उन्होंने आके हमसे कहा कि तुम लोगों ने तो ब्लास्ट किया है क्या? हमने कहा नहीं किया, हमको तो फंसाया गया। तो फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम लोगों ने कन्फेशन क्यों दिया? तो हमने कहा हमने कोई कन्फेशन नहीं दिया, हमको तो मार मार के कन्फेशन स्टेटमेंट पे साइन ली गई कुछ लोगों की। तब उन्होंने फिर ये कहा कि तुम लोगों को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ, तुम लोगों को मालूम नहीं था क्या हमारे साथ या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या हुआ? और वाकई हमको मालूम नहीं था। बहरहाल फिर उन्होंने हमको मशवरा दिया कि आप रिट्रैक्शन करो कोर्ट में जाके। तो रिट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड विद रिट्रैक्शन, वो भी हमको पता नहीं था। तब उन्होंने समझाया कि रिट्रैक्शन यानी कि आपने पुलिस कस्टडी में जो भी लिख कर दिया है या साइन किया उससे आप जो है बैक हो रहे हो, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, और आपको ये कहना है कि पुलिस कस्टडी में प्रेशर में हमने वो दिया था। फिर नेक्स्ट डेट हम लोग कोर्ट में गए और फिर जाने के बाद हमने जो है सब ने रिट्रैक्शन किया, और एडवोकेट शाहिद आज़मी के ज़रिए हम लोगों ने सब ने रिटर्न में जो है कोर्ट में लिख कर दिया कंप्लेंट एक तरह से कि किस तरह हमको टॉर्चर किया गया वगैरह वगैरह। तो वो सारा लिखा हुआ जो हमारा कंप्लेंट था वो बाद में हमारे काम आया ट्रायल के दौरान, और उसी बुनियाद पर बहुत सारे हमने सजेशंस दिए विटनेसेस को, और हमारा डिफेंस का एक बहुत बड़ा वो एक कंप्लेंट जो है हमारा पॉइंट था। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि 1993 ब्लास्ट के उस एक्यूज़ का वो जो हमारे लिए एक जो बताया हुआ जो रास्ता था रिट्रैक्शन का, वो हमको बहुत काम आया मैं कह सकता हूँ। ये अलग बात है कि फिर कोर्ट ने भी उस रिट्रैक्शन को माना नहीं, कोर्ट ने कहा आफ्टर थॉट है, कोर्ट ने उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर 12 बेगुनाहों को सज़ा दी, 5 को फांसी दी, ये अलग बात है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि वो हमारा रिट्रैक्शन खाली नहीं जाएगा और वो कंप्लेंट खाली नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमको उससे ज़रूर मदद मिलेगी और एक्विटल हो सकता है। तो इसी वक्त आपने सोचा कि शायद मुझे इस बारे में एक किताब लिखनी चाहिए? जी, मैं जाने से पहले मैं PhD की तैयारी कर रहा था। जाने के बाद मतलब जेल में जाने से, यानी अरेस्ट होने से पहले, तो मैं PhD की तैयारी कर रहा था। तो अंदर जाने के बाद फिर मैंने ये सोचा या तो मैं PhD कंटिन्यू कर दूँ, या तो मैं LLB करूँ, या तो मैं किताब लिखूँ, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास थे। क्योंकि हमको ये पता नहीं था कितने साल रहना है, हमको ये लग रहा था मैक्सिमम 6 महीना 1 साल में हमारी बेल हो जाएगी या कुछ तो भी रास्ता होगा।
लेकिन फिर मैंने एलएलबी का परमिशन लिया और एलएलबी शुरू की 2007 में। लेकिन उस वक्त फिर अथर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे ने हमको बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया, दूसरे जेलों में भेज दिया। वहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। पीएचडी भी मैं नहीं कर सका। तो फिर मैंने किताब लिखने की सोचा। फिर जब हम वापस आ गए 2009 में, अथर रोड जेल वापस आए, 2010 में शाहिद आज़मी का मर्डर हो गया, ट्रायल शुरू हो गया, डे टू डे ट्रायल हो गया। तो उस दौरान फिर हमारा पूरा फोकस केस पे रहा। फिर हम लोग मैं किताब नहीं लिख सका। 2014 में केस कंक्लूड हो गया, उसके बाद 1 साल का हमको टाइम मिल गया जो जजमेंट लिख रहा था जज। तो 2014 और 2015 1 साल के पीरियड में मैंने जो है जेल के अंदर बैठकर ये किताब लिखी। और उस वक्त तक सारा एविडेंस, सारा डिपोजिशन कोर्ट में आ गया था, कोर्ट के रिकॉर्ड पर था, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट के रिकॉर्ड पर था, बहुत सारे एप्लीकेशंस, उसके जजमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स थे, खासकर हमारे केस के ताल्लुक से, इंडियन मुजाहिदीन के ताल्लुक से, बहुत सारी चार्जशीट्स, रिमांड एप्लीकेशंस, ईमेल्स जो उन्होंने मीडिया हाउसेस को भेजे थे, ईमेल इंडियन मुजाहिदीन ने, जो पुलिस कहती है, और बहुत से इंडियन मुजाहिदीन केस में अरेस्टेड एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई थी। तो उन सारी चीज़ों को पढ़कर, वो सारी चीज़ें सामने रखकर मैंने फिर किताब लिखना शुरू की जो बेगुनाह कैदी किताब में आपके सामने है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त किताब लिखने के लिए जेल के अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई अपोजिशन आया कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसे कुछ मुश्किलें हुई आपको? जेल की अथॉरिटी की तरफ से बार बार ये रहता है कि वो आपकी सर्चिंग करते, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, रात में, दिन में, किसी वक्त भी सर्चिंग करते आपके पूरे कपड़े, आपके जो सामान है, आपकी जो चार्जशीट है, जो कुछ आपके पास है, सब कुछ चेक करते, एक एक पेज खोल के चेक करते हैं। उनको लगता है कि उसमें कोई हथियार है, उसमें कोई नोट है, उसमें कोई मोबाइल है, उसमें कोई सिम कार्ड है, या कोई ड्रग्स की आइटम है, इलीगल चीज़ें, मतलब नोट भी रखना इलीगल है कोर्ट जेल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए वो सर्चिंग करते, लेकिन हमारे साथ ये चीज़ें नहीं तलाश करते थे। वो तलाश करते थे कि भाई ये क्या लिख रहे हैं, कौन सी आरटीआई कर रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं क्या, लेटर्स किसी को लिख रहे हैं क्या, किसी अथॉरिटी को एड्रेस कर रहे हैं क्या। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें हमारी चेक करते थे, और अगर मिलती थी तो छीन लेते थे, मारते थे, फाड़ देते थे, जला देते थे। हमारे केस की जितनी रिपोर्टिंग्स मीडिया में आई है, न्यूज़पेपर्स में आई है, हम उसकी कटिंग रखते थे संभाल के। एक फ़ाइल हमने बना रखी थी, मैंने 2-3 बॉक्स फाइल बना के रखी थी, लेकिन कई बार उसको लेकर के उसको जला दिया गया, कई बार उसको लेके फाड़ दिया गया। देन हमारे केस से रिलेटेड जो मीडिया में रिपोर्टिंग्स आ रही है वो भी हमको रखने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे पीरियड जेल में गुजरता गया, 8 साल 9 साल गुजर गए, तो मामला चेंज हो गया। स्वाति साठे का भी ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे सुपरिटेंडेंट आए, उन्होंने भी समझ लिया कि ये लड़ने वाले लोग हैं, ये अपने आप को बेगुनाह बोलते हैं। तो माहौल थोड़ा चेंज हो गया। जिस वक्त मैंने किताब लिखने की शुरुआत की, उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास से थे। मैंने जेल वालों से कुछ नहीं मांगा, मैं कोर्ट से निकालता था, मेरे मेरे को एक्यूज से मांगता था, मेरे लॉयर से मांगता था, और वो हम लोग जेरोक्स कॉपी और किसी तरह से अंदर लेकर जाते थे, और उसको पढ़ पढ़ के फिर हम लोगों ने किताब लिखना मैंने शुरू की। ये तो आपने अपने प्रोसेस के बारे में बता दिया सारी जानकारी लेने के लिए, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि आपका एक अगर एवरीडे रोज के दिन के बारे में पूछा जेल में तो कैसे बीतता था? देखिए, जेल में सुबह जो है 5:30-6 बजे होती है, यानी वो उठा देते हैं सबको। आप बीमार रहे, आपको नींद आ रही है, आप कुछ भी है, आपको उठा दिया जाएगा। और वहाँ काउंटिंग होती है, पूरे जेल में जितने कैदी को रात में बंद किया गया उतने ही कैदी सुबह मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिलते हैं, मतलब मैच नहीं होगा अगर वो फिगर, तो जेल खुलेगी नहीं जब तक कि वो मैच नहीं हो जाए। तो काउंटिंग होगी, काउंटिंग होने के बाद जब वो मैच होगा फिगर, तो फिर वो 7 बजे के आसपास वो आपको खोल देंगे आपके बैरक से। आप अपने बैरक के सामने जो थोड़ी सी जगह है वहाँ आप जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, और एक्सरसाइज जो भी आपको करना है। तो 7 बजे हम लोग बाहर निकलते थे, अपना फ्रेश होते थे, चाय आती थी, चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद अखबार आते थे, अखबार पढ़ते थे, फिर हम कोर्ट की तैयारी करते थे, और 10 बजे तक हम कोर्ट चले जाते थे। फिर शाम में 5-5:30 बजे तक हम कोर्ट में रहते थे, फिर वहाँ से आते थे, आते आते हमको 7 बज जाता था। फिर जो भी खाना जेल का मिलता था वो खा लेते थे, कोर्ट के नेक्स्ट डे की हम तैयारी करते थे, नमाज़ वगैरह पढ़ते, कुरान पढ़ते, और रात में हम सो जाते थे। तो जनरली ये हमारा रूटीन था जब कोर्ट रहता था। जब कोर्ट नहीं रहता था, जिस दिन छुट्टी है, तो फिर उस दिन हम लोग दिन भर बैठ के कुछ लॉ की बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, कुछ
लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, आरटीआईज कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह से, या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो इस तरह से हमारे दिन कट जाते थे। जेल अथॉरिटीज के साथ उस वक्त बर्ताव कैसा था आपका? 2006 में तो हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। उन जब हम लोग अंदर गए तो हमको एंट्रेंस पे ही बहुत बुरी तरह मारा गया, बम ब्लास्ट केस के अक्यूज़ आ गए हो, बम फोड़ के आ गए हो, वगैरह वगैरह, मुसलमान हो, इस तरह की बातें करके हमको बहुत बदतमीज़ी की गई, मारा गया। और सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे जो थी, वो विजय सालस्कर एक ऑफिसर थे क्राइम ब्रांच के, जो एटीएस में भी कुछ दिन उन्होंने काम किया है, वो उसको बहन मानते थे और उससे राखी बनवाने के लिए जेल में आते थे। एटीएस के अफसर्स जेल के अंदर आते थे और हमको वो अप्रूवर बनने के लिए लालच देते थे। वो कहते थे कि 20 लाख रुपए आपको कैश दे देंगे, वो कहते थे कि आपको 1 BHK का एक फ्लैट दे देंगे, वो आपको बॉलीवुड की कोई खूबसूरत लड़की से शादी करा देंगे, वो आपको एक बिज़नेस सेटल करके देंगे, वो आपको इंडिया के बाहर जो है आपको एक बिज़नेस सेटअप करके सेटल करके देंगे, और आप जो है एटीएस ऑफिसर्स के संपर्क में रहोगे, वगैरह वगैरह। तो ये लालच देते थे। जब हम लालच में नहीं आते थे तो फिर वो धमकी देते थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये जो मैडम है स्वाति साठे, ये अंदर आप लोगों को परेशान करेगी, मारेगी। और उनके ही बोलने पर जो है मैडम हमको अंदर परेशान करती थी, मारती थी, हमको डिफेंड करने नहीं दिया जाता था, हमको आरटीआई लिखने नहीं दिया जाता था, हमको हर तरह से सताया जाता था। और उनके ही बोलने पर, एटीएस के बोलने पर, मैडम ने हमको जो है ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर बॉम्बे की जेल से। हम सबको जो है महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों के अंदर, मुझे मुझे कोल्हापुर जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये इस तरह से चलता रहा। लेकिन जब हम कोर्ट के ऑर्डर से 2009 में वापस आए, 2010 में हमारा ट्रायल शुरू हुआ, उसके बाद से फिर जो है हालत थोड़े चेंज हो गए, वहाँ के सुपरिटेंडेंट चेंज हो गए, वहाँ का स्टाफ चेंज हो गया। तो फिर उन्होंने बहुत हमारे साथ जो है कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश की, वो अच्छे से रहते थे, हम भी उनके साथ अच्छे से पेश आते थे, और आखिर तक फिर वो मामला अच्छा ही रहा। पहले कुछ साल उन्होंने जो हमको परेशान किया, बाद में अच्छा रहा। आपने अपनी किताब में कुछ लॉ, कुछ कानून जैसे ताड़ा लॉ या फिर MCOCA के जो लॉ है उसके बारे में भी बात की है कि उसकी वजह से अक्यूज्ड को भी कितनी परेशानी हुई है। आप इस सब में UAPA के लॉ को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ टाडा, पोटा, MCOC, UAPA, ये सब जो है ना सिस्टर्स लॉ है, और किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, किसी को स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे MCOC है, गुज कोका है, यूपी कोका है, आप समझते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, और टाडा, पोटा और UAPA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बनाया है, ये सब कॉपी पेस्ट है। बस अल्फाज का उलट फेर है, अल्फाज की जो है जादूगिरी है, लेकिन कानून वही है। आपको मैं बता दूं कि UAPA में कन्फेशनल स्टेटमेंट का प्रोविजन नहीं है, टाडा, पोटा, MCOC में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का प्रोविजन है बिफोर द DCP, है ना, वेरीफाइड बाय मजिस्ट्रेट, लेकिन UAPA में नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि UAPA हल्का है क्योंकि वहाँ ये प्रोविज़न नहीं है, लेकिन UAPA के अंदर वो प्रोविज़न ना होने के बावजूद भी UAPA के जो सेक्शंस है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू टाडा एयर पोटा एंड MCOC। एक चीज़। दूसरा ये कि UAPA में अरेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर सकते, 164 CRPC के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड किया है उन्होंने कई एक्यूज़ का, कई विटनेसेस का। तो वहाँ एक प्रोविज़न ऑलरेडी 164 का है, और UAPA के अंदर इतने सारे सेक्शंस उन्होंने डाल दिए, इतना स्ट्रांग कर दिया है उसको कि उसके सामने टाडा पोटा बच्चे हैं। आज मेरी मेरी जो रीडिंग है उसके हिसाब से बच्चे हैं। तो अगर किसी जमाने में अगर टाडा पोटा के अंदर कोई एक्यूज़ अरेस्ट होता था, अभी देखिए सेक्शन 43D जो डाल दिया उन्होंने कि अब बेल उस वक्त तक मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता जब अगर प्रोसिक्यूशन ने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता, सेशंस कोर्ट बेल नहीं दे सकता, जब तक कि उसको ये ना लगे कि ये गुनहगार नहीं है। भाई ये गुनहगार नहीं है, ये तो कानून का ये है कि जो गुनहगार नहीं है अगर ये फील होने लगे तो उसको एक्विटल मिलना चाहिए। एक चीज़, आप उसको बेल के ऊपर बात कर रहे। दूसरा ये कि आप जो है मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के जजेस के हाथ पकड़ रहे कि आप बेल नहीं दे सकते क्योंकि हमने जो है ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑब्जेक्शन तो आप पहले दिन से रेज करते हो, आखिरी दिन तक रेज करेंगे। तो 43D डाल करके बेल का प्रोविजन इतना स्ट्रिंजेंट कर दिया है कि बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन टाडा पोटा में ऐसा नहीं था। टाडा पोटा MCOC में बहुत से लोगों को बेल मिलती थी,
कुछ दिनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे सालों साल लोग रहते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है। अभी भीमा कोरे के गाँव के अंदर जो सुधा भारद्वाज वगैरह को बेल मिली है, वो टेक्निकल ग्राउंड पर मिली है, मेरिट के ग्राउंड पे नहीं मिली है। क्योंकि मेरिट के ग्राउंड पे जहाँ बेल उन्होंने किया, प्रोसिक्यूशन ने जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि टाडा पोटा एमसीओसी के मुकाबले में यूएपीए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, स्ट्रिंजेंट है, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक लॉ है जिसको रिपील करने की ज़रूरत है। अभी जो सेडिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 124A हम हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब 124A की ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरह से यूएपीए की ज़रूरत क्या है? ये सिर्फ डिसेंट की आवाज़ को कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए, और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इनकार्सरेट करने के लिए ये कानून बनाया जा गया है। तो मैं समझता हूँ इसको ख़त्म करना चाहिए। जब तक ये रहेगा, आम लोगों के लिए ख़तरनाक ही रहेगा। आपने पुलिस राज के बारे में भी बात की है, पुलिस का बर्ताव देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत के जो कानून हैं वो भी इस पुलिस राज को समर्थन करते हैं? देखिए, मैंने जो मेरा जो प्रैक्टिकल जो तजुर्बा रहा है, मैंने उससे ये जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि हमारा राज के अंदर बहुत सारे कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, बेल का प्रोविज़न है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, आर्टिकल 21 की बात की जाती है, सब कुछ है, फ्रीडम है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारी जो पुलिस है उसके हाथ कितने स्ट्रांग है। और आप देखिए, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन साबित हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि वो गलत, उसको पकड़ा गया है, गलत सबूत बनाए गए हैं, उसको गलत प्रोसिक्यूट किया गया और वो एक्विटल मिलता है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है केस किया जा सकता है, कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन मांगा जा सकता है, टॉर्ट लॉ के हिसाब से स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा और उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। कितने केस है आप देखिए जिसमें लोग जो है एक्विटल होते हैं। खुद मेरे केस में अभी तक जो हुकूमत ने सॉरी नहीं कहा है, पुलिस ने सॉरी नहीं कहा है, और जब सॉरी नहीं कहा है तो फिर वो कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन की बात तो दूर की है, और उलट ये कि वो सॉरी नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम अभी भी गुनहगार हो और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से तुमको एक्विटल मिला है। और आपको भी हैरत होगी सुनकर के कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिमी का, उसमें मेरा नाम एज एन एक्यूज एंड एज एन कन्विक्टेड पर्सन डाला। उसको चैलेंज करने के लिए मुझे दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनका नाम निकालो, तो उस नोटिफिकेशन को उन्होंने रेक्टिफाई किया। लेकिन आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक वॉर बुक है जिसमें वो एक जितने क्रिमिनल्स हैं इंडिया के, ख़ास तौर से या सिमी केसेस में या टेरर ब्लास्ट केसेस के अंदर, उनके नाम उसके अंदर लिखे हुए हैं, उसमें मेरा नाम आज तक लिखा हुआ है। और ये बात उन्होंने एफिडेविट के ज़रिए एनएचआरसी के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वाहिद का नाम उसमें अभी भी लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि जब एक आदमी 9 साल प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको एक्विटल मिल जाता है, तमाम चार्जेस से वो बरी हो जाता है, उसके बावजूद भी आप जो है उसको अभी भी क्रिमिनल मानते हो, अभी भी उसका नोटिफिकेशन में नाम डालते हो, अभी भी वॉर बुक में उसका नाम मेंशन करते हो, तो ये पुलिस राज नहीं है तो क्या है? यानी पुलिस ये कह रही है कि ये आज भी गुनहगार है, ये आज भी क्रिमिनल है, ये आज भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है या लोगों से मिल रहा है, तो मेरा नाम जो है उसके अंदर रखा गया है। तो और देखिए, जितने भी संशोधन हो रहे हैं ना, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो यूएपीए में हो, चाहे वो अदर सीआरपीसी में हो, ये सारी चीज़ें पुलिस के हाथों को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। और पुलिस जो है आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, और होम मिनिस्ट्री जैसा उनको डायरेक्शन देती है वैसे वो फॉलो करते। इस एतबार से मैं कहता हूँ, खुद स्वाति साठे कहती थी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल अथरोड जेल, वो ये कहती थी कि जो हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है जितना स्ट्रांग है, उतना एक पैरेलल सिस्टम हमारा पुलिस का है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो एक हुकूमत चला रहे हैं, हम एक हुकूमत चला रहे हैं। इस हिसाब से भी मैं उसको कोट कर रहा हूँ, इस हिसाब से भी मैं कहता हूँ कि ये जो है पुलिस स्टेट है। ये किताब लिखने के बाद आपने बोला है आगे की आपकी जो जंग है वो बाकी के जो अक्यूज है उनको जेल से बाहर लाने की है, और एक लीगल एजुकेशन जो होता है कानून के बारे में जो जानकारी लोगों को पता होनी चाहिए उसको आप हर इंसान को बताना चाहते हैं, तो ये जो आपका एक मकसद है ये आप कैसे रियलाइज करिए, इसकी तरफ आप कैसे बढ़ेंगे आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने रिहा कर दिया, एक चीज़।
दूसरा शुक्र यह है कि रिहा करने के बाद मुझे तौफीक दी कि मैं दूसरों के लिए काम करूं, ख़ास तौर से हमारे केस में जो एक्यूज़ है, जो मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, जिनको रिहा होना चाहिए था लेकिन जिनको गलत प्रोसिक्यूट करके गलत कन्विक्शन लगा है, तो मैं ये बात जानता हूं कि वो बेगुनाह है, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है इखलाकी भी मोरल भी कि मैं उनकी रिहाई के लिए काम करूं। इसीलिए बाहर आने के बाद मैंने घर पर बैठना मुनासिब नहीं समझा और मैंने उनके लिए काम किया। अब मैं क्या काम कर सकता था? मैंने सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से मिलकर, एक्टिविस्ट से मिलकर के हमने एक जो है एनजीओ बनाया, इनोसेंस नेटवर्क नाम का। और मेरे पास एक किताब थी जो उस वक्त छप चुकी थी आने के बाद, तो मैंने उसके माध्यम से उसका प्रोग्राम करके, इनाग्रेशन प्रोग्राम करके और लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम करके हमने इस केस को दुनिया वालों के सामने बताने की कोशिश की जहाँ तक हम पहुँच सकते थे कि भाई इसमें गलत हुआ है, गलत कन्विक्शन लगा है। तो इस तरह से हम लोग जगह जगह पे प्रोग्राम्स करके बता रहे हैं पब्लिक को कि इसमें गलत फंसाया गया है और इनको रिहा होना चाहिए। एक तरह से हम लोग समझते मैं समझता हूँ कि ये कैंपेन जो है हमारी शुरू है। उसी के साथ साथ हम अलग अलग जगह पर जो है लीगल नॉलेज का प्रोग्राम भी रखते हैं कि भाई आपके क्या राइट्स है, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, पुलिस की क्या ड्यूटीज़ है, पुलिस के क्या लिमिटेशंस है, अगर आपके साथ पुलिस गलत कर रही है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है, कहाँ कंप्लेंट करना है, कैसे अपने आप को बचाया जाए, या कैसे जो है आरटीआई फाइल की जाए, कैसे जो है मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जाए, कैसे जो है हायर अथॉरिटी को अप्रोच किया जाए, फॉर्मेट क्या होता है, एप्लीकेशंस कैसी बनाई जाती है, आरटीआई कैसी प्रिपेयर की जाती है, ये भी बेसिक नॉलेज हम देते हैं। तीसरा काम ये हम ये कर रहे हैं कि जो नरेटिव है कि मुस्लिम टेररिस्ट होता है या मुस्लिम जो है बम ब्लास्ट करते हैं, इस पूरे नरेटिव को गलत साबित करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों में जितने भी टेरर केसेस हुए हैं, ख़ासतौर से सिमी के नाम पर, वो पूरे के पूरे बोगस केस बनाए गए थे, उसमें मैक्सिमम एक्विटल है। वो सारे केसेस हम जो है अपने यूट्यूब चैनल में हम पेश कर रहे हैं, उसमें हम जजमेंट भी उसका देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड की एक कहानी है जो सिमी के नाम पे अरेस्ट हुआ, 10 साल 15 साल उसका केस चला, उसका एक्विटल हो गया, तो 5 से 7 मिनट में हम उसकी कहानी बताते हैं, कौन है, कहाँ रहता है, कैसे पकड़ा गया, कैसे केस चला, कैसे रिहा हुआ, अभी वो क्या कर रहा है, और उसका जो जजमेंट है उसकी कॉपी हम जो है पीडीएफ के नीचे दे देते हैं। तो अब तक हमने 200 लोगों की स्टोरी उसमें कर दी है। अभी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है जो दिन आए दिन हम लोग उसको हर हफ्ते एक स्टोरी हम पेश करते हैं। तो ये नैरेटिव बताना है कि जो पुलिस ने ये नैरेटिव खड़ा किया है कि मुस्लिम या सिमी के नाम पर जो है यहाँ पे टेररिज्म हुआ है, ब्लास्ट हुए हैं या गलत हुआ है, इसको हम बता रहे हैं कि ये गलत है और गलत केस आपने बनाया है। इवन हम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि जो बैन लगाया गया सिमी पर वो भी गलत है, उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। जो मूवी है हेमलम, वो भी आपने किताब तो लिखी दी है जो काफ़ी मशहूर हुई थी, इंग्लिश में होने के बाद मूवी भी निकली, और मूवी के माध्यम से भी अभी और लोगों की को पता चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये मूवी बनाते वक्त फिर आपको कोई और मुश्किल हुई, क्योंकि मूवी का रीच ऑब्वियसली जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी? देखिए, मूवी बनाने के लिए मुझे तो कोई तकलीफ़ हुई नहीं। बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री के मेरे पास आते रहे कि आपके ऊपर हमको फिल्म बनानी है, आपकी स्टोरी क्या है, वो लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, नरेशन सुनते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, घंटों बैठते थे मेरे साथ, इंटरव्यूज़ करते थे वगैरह वगैरह, लेकिन किसी ने भी जो है फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, या वो हार गया या वो डर गया, जो भी रीज़न होगा वो चला गया। फिर सुदर्शन गमरे ने सुनीत्रा चौधरी की एक किताब पढ़ी बिहाइंड द बार, फिर वो मेरे पास आया, फिर मेरी किताब पढ़ी और उन्होंने कहा कि हमको मूवी बनानी। तो मैंने कहा कि आप पहले आदमी नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री से और ना ही आप आखिरी हो, आपसे पहले भी बहुत से लोग आए हैं और अगर आपने नहीं बनाया तो आपके बाद भी बहुत से लोग आएंगे, तो आप बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यूज़ किए, रिकॉर्डिंग की, नरेशन सुना, उसके बाद जो है उन्होंने रिसर्च की, जजमेंट पढ़ा, चार्जशीट पढ़ी, एविडेंसेस पढ़े, मेरी किताब पढ़ी, मेरे जितने इंटरव्यूज़ है वो पढ़े, सब कुछ मेरा पढ़ने के बाद फिर उन्होंने जो है स्क्रिप्ट लिखी और उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई। वो एटीएस ऑफिसर से भी मिले, पुलिस वालों से मिले, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, बहुत से लोगों से वो मिले, उन्होंने सबका जो है पर्सपेक्टिव जानने की, व्यू जानने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म रिलीज़ हो गई है और मुझे नहीं लगता कि उनको इस बारे में कोई धमकी या कोई थ्रेट अभी तक के आया है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ये आफ्टर थॉट नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मैं 16 साल के बाद कोई चीज़ बता रहा हूँ और फिल्म में बताया गया। ये सारी चीज़ें 2006 2007 में हमने लिख करके कोर्ट के रिकॉर्ड में दी है। अगर आज भी आप कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करेंगे, रोजनामे चेक करेंगे, तो उसमें आपको स्वाति साठे की कंप्लेंट मिलेंगी, रघुवंशी की कंप्लेंट मिलेगी, ATS ऑफिसर्स के नाम के साथ कंप्लेंट मिलेगी, टॉर्चर के बारे में हमने कंप्लेंट की है, कन्फेशनल स्टेटमेंट प्रेशर में रिकॉर्ड किया गया, ज़बरदस्ती हमारे से धमकी लेकर के साइन किया गया, ये कंप्लेंट मिलेगी, हमारे घर वालों को सताया गया, हमारे बीवी बच्चों को परेशान, सारी कंप्लेंट सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ATS वाले या कोई पुलिस वाले अगर इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं? तो इसीलिए मैं समझता हूँ वो भी खामोश है कि आ गई है फिल्म, आए और खामोशी से चले जाए, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि उनका ऑब्जेक्शन सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि उनके ऑब्जेक्शन के नतीजे में ये फिल्म को और माइलेज मिलेगा और हिट हो सकती है, तो इसलिए भी शायद वो खामोश है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो अभी तक के कोई इस तरह का थ्रेट आया नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो सुदर्शन गमरे है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनको भी इस तरह का कोई थ्रेट आया नहीं है। बस अब उम्मीद है कि ये फिल्म आगे भी OTT वगैरह पे जाए और सारे लोग उसकी रीच सारे लोगों तक पहुँचे, लोग देखें उसको। मैंने जब ये नाम पढ़ा था तभी मैंने वो शब्द का मीनिंग देखने की कोशिश की थी, तो उसमें मुझे मिला था कि वो जीव जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसके खून की जगह जो होता है उसको हेमोलिम्फ बोलते, तो कोई खास वजह है कि ये शब्द इस्तेमाल किया इस मूवी के लिए? जो डायरेक्टर है उस पर फिल्म के नाम के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, कई दिन हमारा डिस्कशन हुआ, कई नाम सजेशंस सामने आए थे, लेकिन डायरेक्टर का कहना ये था कि ये फिल्म जो है वाहिद पर तो है, बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ वाहिद, लेकिन ये फिल्म वाहिद एक सिंबॉलिक चीज़ है। वाहिद के जैसे समाज में बहुत सारे कैदी है जिनके साथ ये होता है, और सिर्फ वाहिद का जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस है, इसके अलावा भी हमारे समाज के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो SC ST है, जो निचले तबके के लोग हैं, पसमानदा तबके के लोग हैं, उनके साथ जो है हमारे समाज के अंदर हमारा स्टेट जो है अच्छा रवैया नहीं करता। तो ये फिल्म सबको दर्शाती है, और ये पूरा समाज का ये तबका जो है हीमोलिम्फ है, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनको मसला जाता है, मारा जाता है, उनका खून बहता है, लेकिन दुनिया वालों को खून नज़र नहीं आता, दुनिया वाले उन मारने वाले को प्रोसिक्यूट नहीं करते, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनकी कोई उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तो ये फिल्म जो है वाहिद को दिखाते हुए पूरे समाज के उन तबकों के बारे में बताती है जो निचली जाति, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सताया गया, परेशान किया, इसलिए उसने नाम ये हीमोलिम सजेस्ट किया। मैंने कहा था वाहिद रखो या बेगुनाह कैदी रखो या स्टेट टेररिज्म रखो, बहुत सारे सजेशन उसको आए, लेकिन उसने कहा नहीं, यही नाम बेस्ट है क्योंकि अंग्रेज़ी नाम है। और उसका ये था कि हमारी रीच सिर्फ भारत नहीं है, हमारी रीच भर इंटरनेशनल है, तो जब इंटरनेशनल फोरम में ये चीज़ जाएगी और अगर वहाँ वाहिद का नाम रहेगा तो लोग उसको लोकल फिल्म समझ के लोकल इसमें इसको वो करेंगे, अगर एक ऐसा नाम रहता है जो इंटरनेशनल हो तो लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, उसकी रीच भी अच्छी बड़े पैमाने पर होगी, इसलिए फाइनली हमने यही नाम डिसाइड कर लिया। जेल में से बाहर निकलने के बाद आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, माहौल कैसा था? देखिए मैं जब निकल के आया तो सबसे पहले तो बहुत खुश हुए कि मतलब उनका बाप आ गया, उनका शौहर आ गया, उनका बेटा आ गया, लेकिन वो दुखी इस बात पर थे कि 11 लोग और 12 लोग और हैं, उनका उनके कोई आया नहीं, उनके घर वाले दुखी थे। यानी कोर्ट रूम के बाहर ये अगर खुशी मना रहे थे तो वो गम मना रहे थे, तो इनको मुनासिब नहीं लगा कि हम खुशी मनाएं, इनको ये लगा कि हमको उनके गम में शरीक होना चाहिए, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि जब मैं जेल में गया तो मेरी बच्ची 6 महीने की थी, लेकिन जब मैं बाहर आया तो वो 10 साल की हो गई करीब करीब, तो मैं बच्चों से तो महरूम रह गया, बच्चे मुझसे महरूम रह गए, जो हमको बाप का प्यार मिलना चाहिए, बच्चों का प्यार मिलना चाहिए, जो खेल खुद होता है वो नहीं कर सका, बच्ची जो बड़ी हो जाती तो आप समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो एक मिसिंग पॉइंट रहा है, और जो बच्चों ने खोया है, जैसे उनकी पढ़ाई के लिए ध्यान देना चाहिए था, उनको घूमने फिरने के लिए एक बाप का जो साया होना चाहिए था, वो 10 साल तक के उनको साया मिला नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ निगलेक्ट फील करते थे कि हम हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे ईद आती है या बकरा ईद आती है तो वो देखते हैं कि दूसरे के बच्चों के माँ बाप है, बकरा ला रहे हैं या ईद मना रहे हैं, नए कपड़े ला रहे हैं, हमारा फादर नहीं है, जो इस तरह की चीज़, तो उनको बहुत फीलिंग होता था। तो 10 साल उनको फील रहा,
लेकिन आने के बाद बहरहाल वो खुश है। लेकिन जब वो दूसरे के बच्चों को देखते हैं जो उनके ही एज के लोग हैं, जैसे साजिद की बच्ची है जो मेरी बच्ची के सेम एज की है, या माजिद की बच्ची है वो भी मेरी बच्ची के सेम एज की है, तो वो जब देखते हैं कि यार उनके फादर तो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, आप आए तो वो क्यों नहीं आए, आप छूट गए तो उनको सज़ा क्यों लग गई, तो इस तरह के वो सवालात होते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ एक तो खुशी है, अल्लाह ताला का शुक्र भी मनाते हैं वो लोग कि भाई एक केस से, क्योंकि बम ब्लास्ट के केस से छूट कर आना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तो अगर आपके ऊपर कोई मामूली चार्ज भी लग जाए तो फिर पुलिस उसको साबित करती है, झूठा हो या सच्चा हो। और बड़ा केस है उसके अंदर अगर छूट के आए तो ये बड़ी बात है, वरना फिर अभी किसी ने मुझे कहा कि एटीएस को 12 लोगों को कन्विक्शन लगने का जितना गम नहीं है उतना गम आपकी रिहाई का है, ये बात सामने आई है। और फिर मैंने आने के बाद खामोशी इख्तियार नहीं की, मैं उनके बारे में बोलता रहा, उनको एक्सपोज करता रहा, इन 12 लोगों के लिए काम करता रहा, तो भी उनको वो इस तरह का मामला है। तो बहरहाल घर वाले मेरे खुश है, लेकिन बस उनको एक तकलीफ़ ये है कि अगर दूसरे लोग भी आ जाते 12 लोग तो उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा होता। इस पूरे तजुर्बे के बारे में जेल में जाने से अभी मूवी रिलीज होने तक इस पूरे अनुभव के बारे में आपको और कुछ अगर कहना हो तो? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भारत में मुसलमान बन के रहना बहुत मुश्किल है, एक चीज़। दूसरा, अभी जो कुछ आप देख रहे हैं पूरा मामला, तो अभी इतना डर लगता है कि आपका सर्वाइवल मुश्किल है। आप अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ नहीं रह सकते, इतना हालत ख़राब कर दी है। अजान है, टोपी है, बुरका है और मस्जिद है, कितने सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इंसल्ट की जा रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और जब स्टेट एक्ट नहीं करती या खामोश रहती है तो ऐसे लोगों को और हौसला मिलता है, वो काम करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हालत बदलनी चाहिए, है ना। सबको फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, सबको अपना काम करने दीजिए, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, किसी के साथ भेदभाव मत कीजिए, किसी को मज़हब के नाम पर अरेस्ट मत कीजिए, प्रोसिक्यूट मत कीजिए, किसी बेगुनाह को मत फंसाइए। इसीलिए मैंने किताब लिखी, ये फिल्म आई है, तो मेरा मकसद यही था कि अगर पुलिस वाले अगर इसको देखते हैं या पढ़ते हैं और अगर वो ये करते हैं, अहद करते हैं कि आइंदा हम किसी बेगुनाह को नहीं फंसाएंगे, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हमारे लिए जो है अचीवमेंट होगा इस फिल्म का, इस किताब का, कि आइंदा कोई बेगुनाह जो है फंसे ना और उसकी ज़िंदगी ख़राब ना। क्योंकि देखो हर कोई वाहिद नहीं है कि लकीली वो छूट जाए, या हर कोई वाहिद नहीं है कि वो छूटने के बाद काम करता रहे। तो इसलिए आप दूसरा वाहिद मत बनाइए और दूसरा वाहिद खड़ा करने पर लोगों को मजबूर मत कीजिए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया।